नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंजू जी हैं जो 27 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत करते हैं कि इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए। मंजू जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 27 सालों से आ रही है मैम डेरा सच्चा सौदा। हाँ जी, हम 27 साल से आ रहे हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है। हमारे घर के बहुत हालात खराब थे, वो सब ठीक हो गए। हमारे जेंट्स वगैरह भी नशा करते थे, वो सब छूट गए यहाँ पर आने से। हमें बहुत खुशी मिलती है यहाँ पर। गुरुजी ने क्या काम किया है समाज के? गुरुजी ने हमें एक तो नशों से मुक्त किया, एक बेटी को मरवाने से मुक्त किया। हमारी बेटी भी है, हमारे सभी सारे परिवार डेरे से जुड़े हुआ है, सेवा पे आते हैं। सभी के पास ग्रीनेस की वर्दी भी है। हम महीने बाद सेवा पे आते हैं, खून दान करते हैं। हमने अब आंखें दान, शरीर दान के फार्म भरे हुए हैं। मैम, एक तरफ गुरुजी के बारे में ये कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं? वो सब झूठे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उनको जो नहीं आते उनको तो काम ही ऐसा, जो चंगे काम करते हैं उनको वो जरते नहीं, क्योंकि उनका काम ही ऐसा झूठी अफवाहें फैलाने को। ऐसा जो जहाँ जब आएंगे तभी तो उनको पता लगे ना, जब वो आते ही नहीं पता क्या लगेगा। मैं मीडिया में, टीवी में भी बहुत अलग प्रचार किया जा रहा है, सब झूठे प्रचार कर रहे हैं। मीडिया वाले तो मसाले वाले होते हैं, जो उनको ज़्यादा ला देता है वो बोल देते हैं। अब 3-4 साल होने वाले हैं, अगर देखा जाए समाज में गुरुजी नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? संगत पे कुछ तो काम बेरोजगार हो गए, सभी काम ठप हो गए। गुरुजी की कर आएंगे, आशीर्वाद देते हैं, सबके काम चल पाते हैं, सबकी बीमारियां छूट जाती हैं, बीमारियां टूट जाती हैं ना नाल संगत सत्संग सुनने से। क्या शिक्षा देते हैं गुरुजी सत्संग? गुरुजी सत्संग में कहती हैं आपस में प्रेम करो, कभी किसी का दिल ना दिखाओ, अच्छे कामों में काम करो, व्यस्त रहो कामों में, नेक किसी को भूखा ना रहने दो, किसी के खून की वजह से किसी की जान ना जाने दो, कोई बेघर ना रहे, ऐसे सभी काम करवाते हैं। क्या आज उनकी समाज को जरूरत है? बहुत ज़्यादा, उनके आने से ही समाज सुधरेगा, वरना समाज का बहुत बुरा हाल है। उनको जब पिताजी आएंगे ना, सभी सारे समाज सुधर जाएगा। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? हम कहेंगे बस पिताजी जल्दी से जल्दी आए, जल्दी वो जितनी जल्दी हो सके वो उतनी जल्दी आए। हम दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरुजी जल्दी से जल्दी आए। ये सजा किसको मिल रही है, संत जी को या समाज को? सारे समाज को। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, लगातार पब्लिक आपके सामने बयान दे रही है डेरा सच्चा सौदा विषय डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए। लोगों का यही कहना है कि संत जी समाज में नहीं है, समाज को सजा मिल रही है, संत जी की डिमांड जो समाज में लगातार बढ़ती जा रही है। आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, आपकी क्या राय है जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत